जिला गाजियाबाद में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग में एक युवक को गोली लग गई। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वीडियो को गौर से देखिए। ये वीडियो गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके का है। इस वीडियो में दूल्हा और दुल्हन की वरमाला का कार्यक्रम चल रहा है। इसी दौरान एक शख्स स्टेज पर ऊपर चढ़कर फायरिंग कर रहा है। इसकी ये फायरिंग एक आदमी की जान पर भारी पड़ गई। गाजियाबाद में खुशी के पल मातम में तब्दील हो गए। यहाँ एक शादी के दौरान की जा रही हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक को गोली लग गई। युवक को गंभीर हालत में मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत बेहद चिंताजनक बनी हुई है। वहीं एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और हथियार की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। बहरहाल इस घटना के बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्या हुआ था आपके यहाँ पे? जो यहाँ पे समारोह चल रहा था लड़की का, जयमाला का प्रोग्राम, बस अपने रात सब खुशी थे अपने, बस अचानक में एकदम से पता चला कि उसके लड़के खून निकल गया। किसी ने देखा कि कोई था कि गोली चली है, तो इस तरह से फिर उस लड़के को भी पकड़ लिया गया जिसने चलाई थी। फिर अपने इस लड़के को जैसे भी है अस्पताल पहुँचाया सब ने। तो उसमें पुलिस ने क्या एक्शन लिया फिर आगे? पुलिस ने एक्शन लिया था, पुलिस यहाँ पर आई थी, उस लड़के को यहाँ से उठाया, फिर उसको अपनी साथ ले गई यहाँ से लड़के को।